सर अस्तर कैसे हो आप सब लोग। सो इस फाइनली अपने पास जॉन्टिस 350R आ चुकी है एंड मैं इसको आज राइड कर चुका हूँ। और अभी जो है टाइम है इसका एक वॉक अराउंड करने का, जिसमें कि सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा और सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके लुक्स से। लुक्स जो है फोटोज में भी काफ़ी मस्कुलर लगता था और रियल लाइफ में भी काफ़ी मस्कुलर लग रही है बाइक। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फोटोज़ में जो दिखता है वो रियल लाइफ में नहीं है, आपको जो है रियल लाइफ में भी बाइक काफ़ी अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले तो बात हुई लुक्स की, काफ़ी खतरनाक लुक्स। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प आपको मिलता है, हाई बीम लो बीम दोनों ही डीआरएल्स आपको मिल जाएगी। और जो लुक्स है वो काफ़ी खतरनाक है, विलन टाइप लुक है भाई, जबरदस्त लग रहा है लुक्स वगैरह। उसके बाद में साइड में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, मैं आपको जला के दिखा देता हूँ एजार्ड इसके। तो साइड टैंक पे जो है आपको इसके इंडिकेटर्स देखने मिल जाएंगे, यूएसटी सस्पेंशन आपको मिलेंगे। उसके बाद फ्रंट में जो है काफ़ी बड़ा आपको लाइक डिस्क मिल जाता है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो व्हील्स है वो डायमंड कट टाइप आपको देखने मिलेंगे। 120 सेक्शन का फ्रंट टायर आपको देखने मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो काफ़ी चौड़ा टायर है फ्रंट का और यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे अपने को लाइक ड्यूअल चैनल एबीएस मिलता है इस बाइक में, यूएसटी सस्पेंशन आपको देखने को मिल रहे हैं और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं दोनों तरफ ऐसे, तो वो भी काफ़ी शानदार लग रहे हैं। ये अपना है 350cc का इंजन जो कि 38 BHP की पावर देता है, 32.8 Nm का टॉर्क, 6-speed का गियरबॉक्स है। सो जो इंजन है ना वो आपको लिक्विड कूलिंग के साथ में मिलता है और हीटिंग की कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगी बाइक में। और परफॉर्मेंस भी इसकी जबरदस्त है, आपने रिव्यू देखा होगा, मतलब भाई ऐसे भक्ति है ना, मतलब आप इसका टॉप एंड टच कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसको चाहिए एक ऐसे रोड जहाँ पे भाई कुछ भी ना हो तो वहाँ पे अपन इसका टॉप एंड टच कर सकते हैं। बट अभी तक जो मैंने टच किया लाइक वो टॉप एंड नहीं था एक तरह से, लाइक नॉर्मली ये 128 तक 130 तक तो ऐसे ही चली जाती है, तो टॉप एंड आई थिंक 150 160 70 तक भी जा सकती है, कुछ नहीं पता। उसके बाद ये मस्कुलर सा टैंक आपको देखने मिलेगा, 15 लीटर्स का ये टैंक है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त टैंक है। और फील होती है यार बाइक मतलब चलाते हैं ना कि हाँ कुछ चला रहे हैं, मतलब सुपर बाइक बोल सकते हैं आप इसको। 350cc की इंजन आप देखो जॉन्टिस का, मतलब इतना बड़ा इंजन इसमें दे रखा है 350cc का है, और पावर वगैरह भी सब कुछ अच्छी है। उसके बाद पीछे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट फुटरेस्ट है, काफ़ी वाइड है, रियर ब्रेकिंग है, एंड ये भी मैंने आई थिंक आपको दिखा दिया होगा जो अपना इंजन का होल है, जो कि मिट्टी से भरा हुआ है, क्योंकि इसको जो हम राइड कर रहे थे आज ऐसे एरिया में जहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। साइड पैनल पे आपको R350 लिखा हुआ देखने मिल जाता है, यहाँ पे जॉन्टिस लिखा हुआ देखने मिल जाता है, काउल्स काफ़ी बड़े दिए हैं। पीछे जो है ड्यूअल साइलेंसर आपको मिलते हैं और साउंड जो है मैं आपको सुनाऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो फिलहाल जो है आप रियर फुटरेस्ट चेक करो, ये भी जो है काफ़ी सही क्वालिटी का है। अभी रियर में आए तो गाइस 160 सेक्शन का पीछे आपको टायर मिलेगा, काफ़ी बड़ा डिस्क है, ABS भी आपको मिल जाता है पीछे की साइड में। ओवरऑल जो है टायर साइज ब्रेकिंग वगैरह सब बढ़िया दे रखी है और ड्यूअल साइलेंसर अपने को मिल जाते हैं। पीछे जो है काफ़ी बड़ी टेल लाइट है, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये कैसी लगेगी वो आप चेक करो। तो कुछ ऐसी लगती है जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो बीच में LED स्ट्रिप्स दे रखी है और साइड में भी। उसके बाद नीचे की साइड में आऊँ तो यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, ये तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये टायर अगर अपने को पीछे मिल जाता है, उसके बाद जो भाई पीछे का लुक्स है ना, बस क्या ही बोलूँ उसके बारे में, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा जो कि मिट्टी से भरा हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे भी कोई गार्ड लगाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे पूरी मिट्टी मिट्टी जाती है अंदर। उसके बाद इस साइड से देखोगे तो कोई यहाँ पे साड़ी गार्ड वगैरह नहीं है, क्योंकि वो जो है भाई इन बाइक्स में नहीं मिलेगा आपको देखने को। बाकी जो है यहाँ पे अपने को साइड स्टैंड मिल जाता है, स्टैंड सेंटर स्टैंड आपको नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड मिल जाता है इंजन कट ऑफ फीचर के साथ में। उसके बाद में सीट देखो, क्या प्यारी सीट दी है, मतलब भाई इतनी सॉफ्ट है ना, सीरियसली मतलब बहुत सॉफ्ट सीट दे रखी है। ग्रैबरियल इसमें कोई नहीं है, ग्रैबरियल वगैरह नहीं दी गई है, बट सीट्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, कंफर्टेबल है राइडर के लिए भी, पिलियन के लिए भी। सो सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके टैंक पे, तो 15 लीटर का आपको टैंक मिलता है यहाँ पे, जो अपने को टैंक ओपनर मिल जाता है, ये भी जो है बटन से खुलेगा। सीट जो है ये भी बटन से खुलेगी, बटन जो आपको यहाँ मिल जाते हैं फ्यूल का। अभी जैसे ही मैंने फ्यूल का बटन दबाया तो यहाँ पे जो अपना है खुल चुका है, अभी इसको आप ऐसे हो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ सीट का है, तो जैसे ही सीट का दबाया सीट ओपन हो गई है, एंड इसको जो आप फिर ऐसे लाइक ऑफ कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद बटन्स के बारे में बात करते हैं, पासिंग लाइट अपनी, हाई बीम लो बीम, हैजार्ड, इंडिकेटर्स हैं, बटन्स क्वालिटी अच्छी खासी दी गई है, हॉर्न सिंगल हॉर्न है, ड्यूअल हॉर्न होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे जो अपने को सेट का बटन मिल जाता है, सेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं। अप डाउन करने तो आप इस मोड बटन से कर सकते हो, तो देख रहे हो फीचर्स की भरपार, लाइक भाई ढेर सारे फीचर्स है। अभी जो है एग्जिट अपन करते हैं और ये इसका कंसोल है उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल की कैप है, सीट की कैप है, यहाँ से ऑन हो जाती है, तो एक बार आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ,
तभी जो है बाइक अपनी ऑफ हो गई है और ये हो गया हैंडल लॉक। अभी जो है ये ऑन नहीं होने वाली क्योंकि इसके पास है कीलेस एंट्री। ये जो कीलेस एंट्री है ना आप देख रहे हो यहाँ पे लगाई गई है, तो कीलेस एंट्री आपको मिलती है। अभी ऑन करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको टैप करो। जैसे ही टैप किया हैंडल लॉक भी खुल गया है और अपना यहाँ पे ये देखो भाई जॉन्टिस लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी TFT डिस्प्ले आपको मिलती है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे इको मोड दिया गया है जिसको कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। अभी स्पोर्ट्स मोड में है, अभी इको मोड में होगी है। उसके बाद यहाँ पे इग्निशन का बटन है, यहाँ अपने हेडलैम्प्स का बटन है, उसके बाद नीचे जो है सेल्फ का बटन है। तो साउंड मैं आपको सुना देता हूँ अभी कि साउंड वगैरह इसमें कैसी आपको मिलती है। तो सबसे पहले इग्निशन ऑन, और इसके लिए क्लच दबानी पड़ेगी मेरे को, तो क्लच दबा के फिर ये बाइक स्टार्ट होती है। अभी जो है साउंड सुनाता हूँ। ज़बरदस्त साउंड है। अभी जो है इसके TFT डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक फ्यूल मीटर हो गया, टेम्परेचर मीटर हो गया, ऊपर जो है टाइमिंग हो गया, बीच में स्पीडो मीटर आ गया। यहाँ पे जो अपने को RPM मीटर वगैरह आ लाइक देखने को मिल जाता है, इधर भी जो अपने को देखने मिल जाता है। एक बार स्टार्ट करके दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही साइड में जो RPM मीटर दिया गया है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पे गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे मोड है, स्पोर्ट्स मोड है तो स्पोर्ट्स मोड है, एंड इको मोड है तो ई यहाँ पे दिखाते हैं, तो एस में स्पोर्ट्स मोड है। उसके बाद में यहाँ पे जॉन्टिस X 1000 RPM लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह दिखा रहा है, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो फ्रंट रियर। उसके बाद जो है 2.8 bar ऐसा कुछ है ये, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे टोटल ओडोमीटर है। और जैसे ही मैं यहाँ पे सेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भाई सबसे पहले तो इंटरफेस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार लाइक मोड्स मिलते हैं आपको इंटरफेस में, थीम में। तो यहाँ पे सिंपल रखें, एक बार सिंपल करते हैं, चलो सिंपल। जैसे मैंने सेट का बटन बताया तो यहाँ पे सिंपल आ गया, तो ये भी जो है देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद और मोड्स इसमें काफ़ी सारे, जैसे मैं सेट पे क्लिक करता हूँ इंटरफेस में जाता हूँ एक सेकेंड, तो यहाँ से आप टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हो इसमें। इससे बैक जैसे ही जाऊंगा मैं यार, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में, आपको प्रॉब्लम आई क्योंकि यहाँ पे अप डाउन के बटन नहीं है। यहाँ पे जो अपने को दो ही बटन मिलते हैं, तो यहाँ पे अप डाउन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बटन मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो, ब्लूटूथ मोड मिल जाता है, ईजी कनेक्टेड है, एंड TPMS भी है। इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद एग्जिट का बटन है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मतलब यार इसमें। अभी जो कैजुअल करते हैं अपन, और ये आ गया भाई इसका कैजुअल मोड। तो इतनी सारी डिस्प्लेज मिल जाती है आपको, मोड्स मिल जाते हैं भर भर के, तो काफ़ी सारे मोड्स मिलेंगे जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद इसमें ऐसा भी कनेक्टेड फीचर आता है जिसमें कि भाई अपने मोबाइल को आप इसमें देख पाओगे कनेक्ट करके, तो उसकी वीडियो अलग से मैं लेके आने वाला हूं, तो वो फीचर भी अपन अच्छे से आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद में मिरर्स की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है, जो मटेरियल है वो भी अच्छा है, और यहाँ पर एडजस्टेबल आपको लीवर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं इस साइड में भी और इस साइड में भी, तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं इनको, तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। और बटन्स की जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। बाकी जो आप एग्जॉस्ट देख सकते हो, क्या स्पोर्टी लुक देता है एग्जॉस्ट भाई, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी है बाइक। बाकी आप बताओ इसमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बोलोगे भाई क्या दे रखा है, V8 इंजन है क्या। तो ये देखो नीचे पूरा बड़ा सारा सिस्टम दे रखा है इसमें काफ़ी बड़ा, और ये देख सकते हो इसका फ्रंट लुक। तो यार मतलब बाइक अच्छी लगती है। तो बेसिकली ये था इसका एक वॉक राउंड। अभी जो है राइड वीडियो आपने देख ली होगी, या फिर एक दो दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी राइड की। तभी आप लोग बोलोगे भाई प्राइस वगैरह क्या है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस है 3 lakh के करीब जो इसकी एक शोरूम प्राइस हो सकती है। बाकी लॉन्च होने के बाद देखते हैं, लॉन्च डेट भी अभी नहीं निकल के आई है, तो जैसी प्राइस आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी ये थे कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।